अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वो गुंडे किसके? मेरे। जब तक तुम्हारे वो घटिया दोस्त के घटिया गुंडे गौशाला पहुंचते, तब तक तो मैं हवेली में बैठी आराम फरमा रही थी। उस दिन जब तुम उस लफंगे दोस्त से बात कर रहे थे ना, तब मैंने सुन लिया। राम मनोहर, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, कुछ गुंडों का इंतजाम करो। ये लो पैसे, ये तुम लो, आपस में बांट लेना। चलो शुरू हो जाओ। अब तो हार मान लो, तुम मुझे अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकते। इसे कहते हैं सही निशाना। अरे ये तुम क्या कर रही हो? देख नहीं रहे हो, एक पत्नी अपने पति की अलमारी में कपड़े रख रही है। तुम मेरी पत्नी नहीं हो और ये बात तुम भी जानती हो कि? जानती हूँ। यही ना कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, पर तुम साबित कर दो। और जब तक तुम साबित नहीं करोगे, तब तक मैं इसी कमरे में अपने प्यारे पति देव के साथ रहूंगी। तुम चाहती क्या हो? सही वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। इतनी जल्दी क्या है? पति देव जी, अब जाओ, देखो ना मुझे कितना सारा काम करना है। जाओ जाओ, कपड़े लगा रही हूं भाई। हमें लगता है भगवान ने हमारी सुनी और पारो को भेज दिया करण जी की अधूरी जिंदगी को पूरा करने के लिए। हाँ सुमन बेटा, तुमने बिल्कुल सच कहा। बस अब पारो करण के दिल में प्यार जगाने में कामयाब हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आ जाऊं? हाँ हाँ आओ ना। मैं आपकी कुछ मदद करूं? नहीं, बस कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, नई बहू होने का फर्ज जरूर निभाओ। जो चीज तुम्हें सबसे अच्छी बनानी आती हो ना, वो बनाओ। शगुन माना जाता है ये। तो क्या बनाकर शगुन करो? वैसे तो मुझे सब कुछ बनाना आता है, मीठे में जैसे गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, नारियल के लड्डू, बेसन के लड्डू, खीर, और नमकीन में मछली, उपमा, पोहा, समोसा, कचौरी और बहुत कुछ। सब कुछ बना दो। अरे नहीं नहीं, कोई एक चीज बना दो। तो क्या बनाने का सोचा है? हाँ, मखाने की खीर बना दो। मखाने की खीर? लो, मैं तो आप सबको बताना ही भूल गई, मखाने की खीर तो मैं इतनी अच्छी बनाती हूँ। आप लोग मेरे हाथ की मखाने की खीर खाएंगे ना, तो कहेंगे कि वाह पारो, आज तो मजा ही आ गया। सासुमा, आप उधर जाके खड़ी हो जाइए। जाइए ना। जी जी, आप इधर आ जाओ। श्याम भैया, वो कढ़ाई देना।
खुशबू आई। दादी माँ खीर बन गई, अब खा के बताइए ना कैसी बनी है। नहीं पारो, पहले भगवान को भोग लगाएंगे। कादंबरी बहू, ड्राइवर से कहो गाड़ी बाहर निकाले, मैं मंदिर होकर आती हूँ। जी। लेकिन आप बाहर मंदिर क्यों जा रही? घर में इतना सुंदर मंदिर है और आप बाहर जाएंगी? घर के मंदिर में हम लोग पूजा नहीं कर पाते। देखा नहीं, मंदिर के पास करण ने शराब की दुकान सजा रखी है। ओ, तो ये बात है, तो ठीक है, मैं वो शराब की दुकान हटवा देती हूँ। सुमन जी, भैया मेरी मदद कर दीजिए उसे हटाने में। चलिए। नहीं नहीं पारो, खामखाव कलेश हो जाएगा। वैसे भी करण तुम्हारे घर आ जाने की वजह से खुश नहीं, और नाराज हो गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। तो उनकी नाराजगी से क्या मैं आपको बारिश में बाहर भेज दूं? नहीं नहीं, मैं उनसे डरती थोड़ी हूँ। मैं अभी वो हटाती हूँ, फिर आप आराम से अपने मंदिर में पूजा कर लेना। चले जी जी, आइए श्याम भैया। अम्मा चलिए, पता नहीं अब क्या होने वाला है। पता नहीं आप सबको क्या हो गया है, सब कुछ जानते हुए भी आप सब यूं अनजान क्यों बन रहे हैं? करण का गुस्सा पता है ना, लेकिन फिर भी इस पागल लड़के के कहने पर आप लोगों ने उसका बार बाहर फेंकवा दिया है। अब देख लीजिएगा जैसे ही वो यहाँ आएगा घर में क्या हंगामा होता है। सफाई बुआ जी, सफाई। वो मंदिर के पास की जगह अशुद्ध हो गई थी ना, तो उसे ही साफ कर रही हूँ। अरे आपको क्या लगा मैं आपको मारने आ रही हूँ? वो भी झाड़ू से? तौबा तौबा तौबा, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपको मारूं?